हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दलिया के पापड़ बनाना बताऊंगी। इसके लिए हम हाफ़ के जी दलिया ले लेंगे और इसे लेने के बाद हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद हम इसे भीगने के लिए रख देंगे 2-3 दिन। ये देखिए, ये अब मैंने धो लिए है। और अब इसमें पानी डाल के मैं 2-3 दिन के से रख दूंगी। ये देखिए, 3 दिन बाद हमारी दलिया पूरी फूल के एकदम बारीक हो गई है। अब हम इसे कपड़े की हेल्प से छान लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, आप कपड़े की हेल्प से आप दलिया को छान लीजिए इस तरह से। छानने के बाद आपको इस टाइप का पूरा उसका आटा निकल आएगा। और उसमें अब निकलने के बाद हम उसमें जीरा, नमक और लाल मिर्च के फ्लेक्स छोटे छोटे से डाल के हम इसे मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे पकाने के लिए एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें दलिया का जो ऊपर का पानी रहता है वो डाल देंगे, और नॉर्मल वाटर भी आप डाल सकते हैं। जब ये पानी बॉईल हो जाए तो हम सेफ साइड के लिए इसमें से थोड़ा पानी निकाल के रख लेंगे, ताकि अगर बाद में हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़े तो हम ये बॉईल वाला वाटर ही यूज़ करें। ये देखिए, हमारा पानी अच्छे से बॉईल्ड हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा जो मिक्सचर रेडी हुआ था उसे हम धीरे धीरे करके डाल देंगे, और डालते समय हमें कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए रहना है, अदरवाइज़ ये इसके गाढ़ा हो जाएगा और इसके पापड़ अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, हमें कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। और ये देखिए, जब इसमें से बबल्स आने लगे तो समझ जाइए कि हमारा ये पक गया है। आप हाथ गीला करके भी चेक कर सकते हैं, अगर ये आपके हाथ में नहीं टच हुआ डेट मीन्स ये पक गया है। अब ये हम एक पॉलीथीन ले लेंगे, उसके ऊपर पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के लगा लेंगे। पूरे पॉलीथीन पर हम लोग ये फैला देंगे। और अब हम इसके ऊपर पापड़ का जो हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है उसे फैला देंगे। एक स्पून की हेल्प से, आप गोल वाला स्पून लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे हमारे पापड़ गोल गोल बनेंगे। ये देखिए, आप डालिए और जिस स्पून से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए। इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे इसी पॉलीथीन पे। ये देखिए, ये सारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। ये मैंने रात के समय बनाए थे, इसलिए घर के अंदर ही मैंने सारे पापड़ डाले हैं, ताकि ओवरनाइट फ़ैन ऑन कर दूँगी मैं और ये सारे सूख जाएंगे, और सुबह हम इसको पलटा के धूप में सुखा लेंगे। तो हमने ओवरनाइट इसे छोड़ दिया है। ये देखिए, ये मॉर्निंग में 6 o'clock देखिए, आप ये पूरे एक तरफ से सूख चुके हैं। अब आप इसे पलटा दीजिए, ऐसे करके आप एक एक करके सारे पापड़ पलटा दीजिए। और पलटाने के बाद जो हल्का हल्का गीला ये रह गया है इसे आप धूप में सुखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारे पापड़ रेडी हो चुके हैं, धूप में सूख चुके हैं पूरी तरीके से। अभी हमारे पापड़ सूखने के बाद देखिए कितने पतले और वाइट बने हैं। अब ये पापड़ हमारे रेडी है तल के खाने के लिए। मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। इसके लिए हम लोग ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में, उसे गरम करेंगे। ये देखिए, पापड़ तलने के बाद कितने वाइट हो गए हैं। ये देखिए, आप जैसे बन साइज का बनाओगे उस साइज का पापड़ बन के निकलेगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, और ये पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं, खट्टे भी लगते हैं, तीखे भी लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए। तो ये हमारे यम्मी पापड़ रेडी है, ट्राई जरूर करिए दलिया के पापड़। थैंक यू।